तो गाइज आज हम लोग आए हैं पंचुलिंगेश्वर, जो कि हमारे होम टाउन का सबसे फेमस डेस्टिनेशन है। बाकी हमारे साथ आज ऋतिक, गुड्डू और अमरजीत है। क्या क्या गुड्डू फोटो खींच रहे हैं? गुड्डू फोटो खींच रहे हैं। गुड्डू का तो ये पूरा जैसे बोलते हैं ना, होम ग्राउंड जैसे होता है ये, उसका होम गार्डन है। गुड्डू तो यहाँ पे आता रहता है, वैसे होम गार्डन है। हल्का भी हो सकता है गुड्डू, है ना? ऋतिक तो हर जगह हल्का होता है। अगर गुड्डू और ऋतिक को कभी कुछ लगा दो नंबर, तो यहाँ पे पानी बोतल लेके आए, वो लोग यूज कर सकते हैं बीच में। ज्यादा बढ़िया बोल दिया गुड्डू ने। वैसे गुड्डू आज सुबह ऑटू खा के आए। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और सावधान रहे। लेकिन ये जगह से थोड़ा बच के रहे, वो टाइम का भी मार देता है। अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी ये जगह बहुत सही है, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखो क्या व्यू है यार, यहाँ से पहाड़ों के बीच ये वाला जो व्यू देख रहे हो ना, और ऊपर और अच्छा व्यू है, दिखाते हैं आप सबको आगे जाके। देखो वहाँ पे स्ट्रीम गया हुआ है। बाकी ये वाला जो व्यू देखो, कितना सही व्यू है यहाँ से। यहाँ पे एक प्रॉपर सीटिंग एरिया बना हुआ है, देखो ऋतिक को। चलो अभी ऊपर चलते हैं, अभी बहुत ऊपर जाना है। अभी इतना रोड तो कवर कर लिए हैं, बाकी चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं और आपको। यहाँ पे पूरा प्रॉपर सीटिंग एरिया बना हुआ है बैठने के लिए, नजारा। गुड्डू तो बहुत एक्साइटेड लग रहा है, देख के भाई, देख के आराम से। और यहाँ पे प्रॉपर सीटिंग एरिया बना हुआ है, आराम से बैठते हैं यहाँ पे थोड़ा। देखो आज वीकेंड है ना, तो कितना भीड़ है, देखो बहुत लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे शुरू हो गया है इनका बकचोदी। अरे यार रुक, यहाँ पे फुल बकचोदी चल रहा है। हाँ देखो पानी में पूरा गुड्डू मस्ती कर रहा है, बाकी ये लोग भी आ गए हैं अभी पानी में, बहुत सही है। यहाँ पे इन दोनों का शुरू हो गया, ये लोग कहीं भी जाते हैं शुरू हो जाता है, बाकी बहुत सही है। देखो कितना सही जगह है। यहाँ पे पहला मंदिर हम लोग जा रहे हैं पंचुलिंगेश्वर में, जो कि राधा गोविंद टेम्पल है। चलो आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे भगवान का दर्शन करो, सही है। पहला मंदिर विजिट कर लिया, अभी आगे चलते हैं। और भी बहुत सारा मंदिर है, पहाड़ है, आपको सारा व्यू दिखाएंगे ऊपर जाके। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी हैं, देखो बहुत सारा मंदिर है ऊपर, आगे दिखाते हैं आपको। देखो महादेव, बाबा ध्यान कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। अच्छा तो अंदर जाके देखते हैं क्या है। अंदर ये गुम्फा है, अंदर कुछ लाइट तो नहीं है, जैसे ये भगवान है। यहाँ से पूरा रास्ता गया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये वाला पूरा गुम्फा है। यहाँ पे अंदर सीक्रेट प्लेस है, यहाँ पे भगवान है। बाकी यहाँ से एक रास्ता गया हुआ है अंदर, सीक्रेट रास्ता जो कि बाहर निकलता है। चलो ये जो मेन मंदिर एरिया है, मेन देख सकते हो वहाँ पे
उस जगह का एक हिस्टोरिकल थिंग है, वहाँ पे शिवलिंग है, तो अभी वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हो श्री श्री पंचलिंगेश्वर। अभी इस वाले रास्ते से जाएंगे उस तरफ, तो चलो अभी चलते हैं इस वाले रास्ते से। सही है। बाकी आप लोग देखे वो सब मंदिर वगैरह दिखा है, कितना सारा मंदिर था यहाँ पे। बहुत सही है, बहुत सही जगह। ये हमारे होम टाउन में है, पंचलिंगेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ों के बीच ये सारे मंदिर है। अच्छा खासा ट्रैकिंग भी है यहाँ पे, मंदिर भी विजिट कर सकते हो। बहुत सही जगह है। और ये वाला एक मंदिर है यहाँ पे भी। इस रास्ते से जाने से और एक मंदिर गिरेगा सामने, वो आपको आगे एक मंदिर है, तो वहाँ पे अभी चलते हैं। थोड़ा ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा वो वाले मंदिर के पास। प्रॉपर रास्ता नहीं बना है वहाँ पर बाकी जा सकते हैं वहाँ तक। चलो चलते हैं। एक छोटा सा स्ट्रीम गया हुआ है, पर हम लोग इस तरफ से जाएंगे साइड में। हाँ, लिंकन बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे, पता नहीं क्या रीजन का तो पता नहीं, पर लिंकन बहुत एक्साइटेड है इस जगह पे। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अभी पूरा प्रॉपर ट्रैकिंग चल रहा है। तो पूरा प्रॉपर जंगल के बीच में हम लोग चल रहे हैं। उस तरफ एक मंदिर है, बस पहुंचने वाले हैं। लिंकन पूरा पागल हो गया, देखो उसका ऋतिक का सब, वो गाने गा रहे, पता नहीं क्या रीजन है पर वो गा रहा है बस। सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तालाब है, देखो सही है। पहाड़ है, पूरा पहाड़ों के बीच ये तालाब है। बाकी इस तालाब का एक एसेंस है, हिस्टोरिकल एसेंस, जिसका ये है कि ये कभी सूखता नहीं है। कोई भी मौसम हो इतना ही पानी रहता है, जितना तेज बारिश हो जो भी हो इतना ही पानी रहता है हमेशा, देख लो। बाकी ये पीछे माँ का मंदिर है। तो ये माँ का मंदिर है, तो अभी यहाँ से प्रसाद लेंगे। और ये डोनेशन बॉक्स है, यहाँ पे दान कर सकते हो। देखो यहाँ से व्यू, ये वाला नीचे मंदिर, बाकी ये रहा व्यू देख रहे हो तो। काकुड़ी खा के जाना, ठीक है। और यहाँ पे धूप में थोड़ा पानी शॉर्टेज हो जाता है, काकुड़ी खा के जाना जरूर जरूर। काकुड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं वो लिख देना साइड में। खीरा खीरा किरण है, खीरा धन दे धन लौका दे मना। अभी पंचलिंगेश्वर टेंपल पर घूम लिए, अभी पार्किंग स्पेस में पहुंच गए, अभी गाड़ी लेके निकलेंगे।
तो हो गया आज का ट्रिप, बहुत सही था। ये प्रसाद वगैरह खरीद लिए और ये अमरजीत, बहुत सही रहा आज का ट्रिप। पहाड़ वगैरह घूमे, बहुत सारा मंदिर देखे, बहुत मजा आया। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, चलो बाय। तो यहाँ से एक रास्ता है जो कि नीचे जाता है, यहाँ से जो नीलगिरी पैलेस का जो रानी थे ना, यहाँ से अंदर जाते थे, वहाँ पे जो है वो वाला प्लेस है, देखो वहाँ पे वो नहाते थे, ये वाला है। अभी तो ये बंद है, बाकी अभी खोलता है, आज वीकेंड में पता नहीं क्यों बंद रखे, नहीं तो यहाँ से जा सकते हैं अंदर। यूट्यूब देखो हमारे पीछे नीलगिरी पैलेस है, तो आज हम लोग नीलगिरी पैलेस आए थे। तो पहले तो आप लोग देख लिए वहाँ पे जो रानी नहाते हैं, जो वाला प्लेस देखे, और ये वाला पीछे पूरा बिल्डिंग है, मैं वीडियो में डाल दूंगा। ये वाला पीछे पूरा देखो, ये नीलगिरी पैलेस है, राजा का है। और बाकी ये जगह देखो, वो एंट्री गेट है, वो वाला बहुत सही है। ये रहा, यहाँ से जो भी प्रोग्राम वगैरह होता है तो राजा वहाँ बैठ के अंदर देखते थे। और बाकी ये रहा उनका जो ये वाला पूरा पैलेस है, बहुत सही है। चलो आगे दिखाते हैं। तो आज का ट्रिप यहीं ख़त्म करते हैं, आज पूरा पंचलिंगेश्वर घूम लिए नीलगिरी। कैसा रहा आज का ट्रिप गुड्डू? बहुत बढ़िया, मैं तो पहले से आया था, गुड्डू गुड्डी के साथ आया था, लेकिन फिर भी दोबारा आ गया हमारे साथ। सोचा कि दोस्त के साथ जाऊंगा और थोड़ा मस्ती करूँ, और अंदर एक मिल गया हमें टक्के वाला, तो बहुत सही रहा, मज़ा आया ट्रिप। ये देखो ये पूरा एंट्री गेट है नीलगिरी पैलेस का, बाकी बहुत सही था। चलो आज का ट्रिप यहीं ख़त्म करते हैं, चलो बाय।